अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हम इस एग्जांपल को डिस्कस कर रहे थे, तो उस एग्जांपल को यहीं से हम कंटिन्यू रखेंगे। अच्छा, अब ये जो अब वैल्यूज आई है ना, इसको हम जाके ओरिजिनल जो फंक्शन है वहां पुट करेंगे। आप देख सकते हैं कि चले, ये अगर आप देखें ना कि 4 + x² ये तो आ गया टी स्केयर रूट आ गया, और बाकी जो एक्स डी एक्स है वो किसकी इक्वल आ गया, वो इक्वल आ गया हमारे पास डी टी बाय 2 के। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है अब वो कन्वर्ट हो गया वेरिएबल टी में। अब 1/2 एज इट इज, इस टी को ऊपर शिफ्ट करें तो -1/2 डी टी आ जाएगा। इसकी इंटीग्रेशन करने से आ जाएगा टी, अब देखिए पावर रूल इस पे अप्लाई किया जा सकता है, -1/2 + 1, -1/2 + 1 प्लस सी 1/2, -1/2 + 1 का मतलब होगा 1/2 प्लस सी। तो यहां से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो टी 1/2 प्लस सी। टी हमने लेट किसके किया था, 4 + x² स्केयर रूट का मतलब ये 1/2 का मतलब ये आ जाएगा, और ये हमारे पास जो आंसर है वो क्लियर हमने कर लिया। ठीक होगी बात। अच्छा जी, इसी तरह थर्ड नंबर की एक और एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3। उसमें हमारे पास फंक्शन गिवन है कॉट अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स डी एक्स। अच्छा, इसमें भी अब हमने करना ये है कि इसको किसी एक चीज को सपोज कर लेते हैं, लेट अंडर रूट एक्स को मैं जेड से, ये मैं डिफरेंट जानबूझ के ना वेरिएबल के इसको, ताकि आपको आइडिया हो कि कुछ भी हो सकता है अलग से। ठीक है। अच्छा, अब इसका डिफरेंशियल लेना आप, तो क्या आ जाएगा डिफरेंशियल, दोनों साइडों पे चले डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे, इस तरह से आ जाएगा डी जेड। अब इस पे क्या आएगा, पावर डेरिवेटिव की तरह, ठीक है, -1/2 एंड डी एक्स आ जाएगा। ठीक होगी बात। और यहां से डी जेड आ जाएगा, क्लियर। अच्छा, तो अब अगर आप देखें ना, तो हमारे पास जो है वेरिएबल जो है वो डी जेड आएगा ना, तो इसको अगर देखें, इसको नीचे लेके आए 1/2, ये अंडर रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी जेड, इस 2 को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 1/√x डी एक्स इज इक्वल्स टू, क्योंकि उसकी वजह क्या, हमारे पास ये चीज आ रही है ना, तो उस फॉर्म में बनाए 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2z आ जाएगा ना। अब आ जाते हैं वापस जो हमारा फंक्शन है ओरिजिनली। अच्छा, इसमें हमने लेट किया था, देख सकते हैं कॉट अंडर रूट एक्स की जगह तो आ गया z, बाकी क्या रह गया डी एक्स बाय अंडर रूट एक्स, तो डी एक्स बाय अंडर रूट एक्स किसके बोले 2 2 dz आ जाएगा। अब 2 कॉन्स्टेंट बाहर रख लेंगे, इसको कॉट z जो है इसको देखें आप, तो 2 cos z को लिखा जा सकता है cos z डिवाइडेड बाय sin z डी z है, तो 2। अब इसमें देखें ना कि sin का डेरिवेटिव ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस केस में हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ sin z प्लस c, किसकी इक्वल आ जाएगा, प्लस c की इक्वल आ जाएगा, और z की जो वैल्यू हमने सपोज की थी ना शुरू में वो वापस इसी तरह से आ जाएगी। z की वैल्यू हमने लेट की थी c, सॉरी z की जो वैल्यू थी ना वो हमने कहा था कि अंडर रूट क्या है, वो x होगी। तो ये हमारे पास इसी तरह से एक और एग्जांपल भी हमने देख लिया है। अच्छा, अब नेचुरल जो लॉग है उससे रिलेटेड भी देख लेते हैं, ठीक है। हम हर टॉपिक से कुछ ना कुछ एग्जाम्पल जो है वो देखेंगे। इसमें हमारे पास लिखा हुआ है एक फंक्शन है एक्स नेचुरल लॉग ऑफ 2x^3। हमने इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है बाय बाय लेटिंग या बाय सब्स्टिट्यूशन। इसमें लेट करते हैं, लेट कि जो नेचुरल लॉग ऑफ 2x है इसको t से लेट कर लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर इसमें ना हम इसका डिफरेंशियल लें, तो नेचुरल लॉग ऑफ 2x क्या आएगा, 1/2x आएगा, 1/2x, ठीक है, 1/2x, और 2x का दोबारा जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 2,
और साथ डी एक्स आ जाएगा, वो साथ क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा, यहाँ पर डी टी आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा यहाँ अगर देखें तो ये दो, ये टू टू कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिंपल क्या बचेगा, डी बाय एक्स, डी एक्स ओवर एक्स इज इक्वल्स टू डी टी आ जाएगा, और ये दोनों टर्म जो है आप देख सकते हैं ये आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको जब वहां जाके पुट करेंगे तो बनेगा, अब यहां देखिए डी एक्स बाय एक्स, चले पहले मैं इसको देख लेता हूँ, चले लिख देते हैं, ये इक्वल आ जाएगा डी एक्स बाय एक्स, वो आ जाएगा डी टी, ये आ जाएगा डी टी वन ओवर, और यहां से हमने क्या लेट किया था, नेचुरल लॉग ऑफ टू एक्स को हमने टी लेट किया था ना, तो ये टी क्यूब आ जाएगा। अब इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो टी रेज टू पावर माइनस क्यूब डी टी आ जाएगा, इस पर अप्लाई करेंगे तो टी माइनस थ्री प्लस वन, माइनस थ्री प्लस वन प्लस सी, माइनस टू, माइनस टू प्लस सी, तो यहां से बन जाएगा टी रेज टू द पावर माइनस टू, माइनस टू प्लस सी प्लस सी, अच्छा माइनस वन बाई टू, ये आ जाएगा सॉरी टी रेज टू द पावर स्केयर, टी रेज टू द पावर स्केयर प्लस सी माइनस वन बाय टू, टी हमने क्या लेट किया था वहां पर, नेचुरल लॉग ऑफ टू एक्स, तो इस पे स्केयर आ जाएगा, और साथ क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, तो ये हमारे पास इस केस में जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा। अच्छा एक एग्जांपल हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन से भी दे लेते हैं, ठीक है। हमने हर फंक्शन को अलजेब्रिक भी देखा हमने, फिर उसके अलावा हमने लॉगरिथमिक भी देखा, फिर हमने ट्रिग्नोमेटिक भी देखा, तो एक जो एग्जांपल है वो एक्सपोनेंशियल से भी कर लेते हैं। अच्छा एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको पता है कि अगर आपका वेरिएबल एक्सपोनेंट मतलब अगर पावर में आ जाए तो हम उस फंक्शन को क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। तो ए रेज टू द पावर एक्स स्केयर इंटू एक्स डी एक्स है, ये हमारे पास फंक्शन है, और हमने इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो अगेन हम लेट करेंगे एक्स स्केयर इज इक्वल्स टू टी, इसका डिफरेंशियल लेंगे तो टू एक्स डी एक्स आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, और यहां से आ जाएगा डी टी। अच्छा जी अब ये हमारे पास आ गया, तो अगर आप देखें ना तो यहां पर ये तो ये एक्स डी एक्स है ना, यहां पर बन रहा है तो टू एक्स्ट्रा है, तो टू को उधर जाके हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा हमारे पास एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी डिवाइडेड बाय टू आ जाएगा। अच्छा यहां से देखें ए एक्स क्यूब की वैल्यू आएगी टी, और एक्स डी एक्स की जगह हमारे पास आएगा डी टी डिवाइडेड बाई टू विच इज इक्वल्स टू वन बाई टू ए रेज टू द पावर टी डी टी आ जाएगा। आप देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म बन गई है ना, और सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर इसको अब देखें ना तो ये सिंपल हमारे पास इंटीग्रेशन आएगी वन बाई टू ए टी नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस सी की गुला जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।